हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज हम आए हैं जी महाजन फास्ट फूड वालों के पास, जो कि उनको 32 साल हो गए हैं अपना स्नैक्स का काम करते हुए। और इनकी स्पेशलिस्टी ये पास्ता वाले समोसे बेचते हैं, जो कि अमृतसर में कोई भी नहीं बेचता। और काफ़ी ये स्नैक्स बनाते हैं, काफ़ी इनके पास वैरायटी है। बिल्कुल टोटल आपको फास्ट फूड वाला टच मिलेगा यहाँ पर। और बाकी हम करेंगे महाजन साहब से बात, उनसे पूछेंगे क्या क्या वैरायटी इन्होंने बनाई हुई है। बाकी जो लोकेशन है जी, बड़ी सिंपल और बड़ी फेमस लोकेशन है। जब भी आप इस्लामाबाद क्रॉस करेंगे तो आगे गुरु नानकपुरा आएगा, वहाँ पर भैया की अपनी जो कार्ड लगती है, साथ में गुरुद्वारा साहिब है, साथ में मंदिर है। तो बिल्कुल सिंपल है इनके पास आना। बाकी अपने स्नैक्स के लिए काफ़ी फेमस है अपने इस एरिया में, तो काफ़ी दूर दूर से इनके पास आते हैं। बाकी करेंगे हम महाजन साहब से बात, तो चलिए गाइस करते हैं इनसे बात और देखते हैं क्या क्या इन्होंने वैरायटी बनाई हुई है। तो सचिन जी, क्या हाल चाल है? तो सचिन जी, बड़ा प्यार बांट रहे हो आप लोगों को। भैया का प्यार होना चाहिए भाई, वाकई में सही बात है। और 32 साल से आप सेवा कर रहे हो, और सर बड़े फेमस हो आप अमृतसर में अपने पास्ता समोसे के लिए। तो सर, सबसे पहले ये बताइए भी, पास्ता समोसा तैयार कैसे होता है? हमारे पास्ता समोसा होता है सर, वैसे गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज वगैरह अच्छा को भून कर अच्छा मसाले खुद के तैयार किए होते हैं, उसमें अच्छा डालकर फिर पास्ते को बनाकर फिर समोसा बनाते हैं। अच्छा, जैसे मतलब नूडल्स तैयार होते हैं ऐसे पास्ता तड़का लगाते हो पहले, फिर उसको फिलिंग करते हो समोसे में, और समोसे की जो लेयर होती है वो अपने मोहन की होती है पहले। हाँ जी, अच्छा बिल्कुल सेम प्रोसेस ही है ना। बहुत ही बढ़िया जी। तो सचिन जी, और क्या क्या मिलेगा आपके? हमारे पास होता है भैया न्यूट्री पकौड़ा होता है, और प्लेटो रोल होते हैं, प्लेटो फिंगर होते हैं, कबाब रोल होता है, गोभी पकौड़ा होता है, पास्ता क्रीम वाला होता है। क्या बात है, क्या बात है, इतनी वैरायटी रखी है भैया आपने। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बच्चे बड़े खुश हो गए आते हैं, आप थोड़ा सा भी दे देते हो, है ना? ये आपकी बड़ी अच्छी बात है, प्यार है भैया। हाँ जी, उनका प्यार ही है, सही बात है। तो सर, ये खुद सारा खुद तैयार करते हो? हाँ जी, हाँ जी। और मैंने सुना आप कैटरिंग मेरा भी करते हो? हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा कैटरिंग का काम। महाजन कैटरिंग वाले मतलब बड़े फेमस हैं। तो सर, ये मतलब एरिया कौन सा पड़ेगा? गुरु नानकपुरा। ये गुरु नानकपुरा नियर गुरुद्वारा मंदिर। अच्छा जी, ये इस्लामाबाद की तरफ से आता है? हाँ, इस्लामाबाद से ये आ जो चाहे कोलकाता की तरफ, जो दोनों की तरफ से आपका मतलब एड्रेस आ जाता है। बड़ा सिंपल है आपके पास आना। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो खुशबू एक नंबर की दोस्तों यहाँ पर आ रही है। तो भैया टाइमिंग वगैरह क्या रखी हुई है? सुबह सर 10 बजे से जब मर्जी कस्टमर ऑर्डर करे। अच्छा, 10 बजे से हमारी तैयारी चालू हो जाती है, रात को बैल बनाओ के प्यार से, तो रात को 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं कई बार ना। छुट्टी कोई होती है भैया? छुट्टी एक होती है, भोले शंकर की शादी भी होती है। अच्छा जी, अच्छा, शिवरात्रि की छुट्टी करते हो? एक हमारी मेल पुण्या होती है, जैसे रामतीर्थ का मेला होता है। अच्छा, ये सब करते हो? बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। और ठीक है सचिन जी, अपने दोस्तों को दिखाते हैं वैरायटी क्या क्या बनाई है। सचिन जी, सबसे पहले ये क्या आप दिखा रहे हो? ये हमारा पास्ता है, जो सर इसके स्प्रिंग रोल बनाते हैं और साथ में समोसे बनाते हैं। अच्छा, इसके यही फीलिंग होती है जो समोसे में जाती है, और स्प्रिंग रोल भी आपके पास्ता वाले बड़े फेमस हैं। क्या बात है, ये देखिए दोस्तों, इन्होंने पास्ता तैयार किया हुआ है, इसमें मतलब काफी कुछ डाला हुआ है, गाजर वगैरह देख रहा हूँ, गोभी देख रहा हूँ। बोलिए, कलरफुल होता है सर ये पास्ता? कलरफुल होता है, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया सचिन जी आपकी कार्ड पर आकर, कितना अच्छा लग रहा है। और साथ में क्या क्या वैरायटी बनाई हुई है आपने? ये सर हमारे पास है, ये समोसा है नूडल्स वाला। अच्छा, ये समोसे नूडल्स वाले हैं? अच्छा, नूडल्स वाले समोसे भी मिलेंगे? हाँ जी, हाँ जी, नूडल्स वाले समोसे हैं। ये हमारा गोभी पकौड़ा है। अच्छा, ये गोभी वाला पकौड़ा हो गया, न्यूट्री अच्छा जी, ये भी फ्राई करके? अच्छा, ये भी फ्राई करके देते होंगे ना? हाँ जी, ठीक है। और क्या है? पोटैटो रोल है। अच्छा, पोटैटो रोल है, पोटैटो फिंगर है। अच्छा, कबाब रोल है। कबाब रोल है? हाँ जी। कबाब में ये किसकी चीज के बनते हैं? सोयाबीन का, प्योर सोयाबीन। अच्छा, प्योर सोयाबीन के है। और मैं अभी देख रहा था भैया, आपके छोटे भैया बादाम बना रहे थे सोयाबीन वाले नूडल्स ना? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। और क्या क्या रखा हुआ भैया आपने? मलाई पास्ता होता है सर। अच्छा, मलाई होता है, स्टफ कुलचा होता है, स्टफ कुलचा भी रखा। वो चांप देख रहा हूँ, चांप है वो? चांप है, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया जी। छोटा सा सेटअप है भैया का, बट है बहुत बढ़िया। और ये कौन कौन सी चटनी रखी हुई है आपने? हमारे पास खुद की घर की गार्लिक बनाई हुई होती है। अच्छा, खुद की बनाते हो? हाँ जी, गार्लिक। बाकी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल होममेड जैसी लगती है ना। और कौन सी है? ये हमारी चटनी वो इमली की बनी हुई है। अच्छा, इमली की मतलब मीठी वाली चटनी होगी ना हमारी? बहुत ही मस्त रोल है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो देखिए तवा गर्म कर लिया भैया ने, काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर। तो ये देखिए कितने मतलब टेक्निक का काम है ये, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। तो काफ़ी वैरायटी मिलती है ना भैया? बर्गर वगैरह भी रखे हुए हैं आपने जी। और समोसे में क्या क्या वैरायटी? एक तो पास्ता समोसा, एक नूडल्स समोसा, नूडल्स समोसा, आलू समोसा। कौन सा? आलू वाला समोसा भैया। अच्छा, आलू वाला समोसा भी रखा हुआ है, जो ट्रेडिशनल जो इंडियन समोसा है।
ठीक है जी, ये रोल की जो लेयर वो तैयार कर रहे हो ना आप पहले? ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया जी। साहिल जी अब क्या करेंगे? अच्छा पास्ता मतलब इसमें फिल कर लिया ना आपने? जैसे सचिन भैया बता रहे थे काफी कलरफुल पास्ता है वैसा ही लग रहा है। ये देखिए जी, ये भी तैयार हो गया जी। ये भी जहाँ पर आपको मिलेगा ट्राई करोगे बहुत ही बढ़िया लगेगा। हमारे लिए पास्ता समोसा सबसे पहले आपने ले लिया डो अपनी ना? हाँ जी हाँ जी। इसको थोड़ा सा आपने लगाया? ठीक है जी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी। देखिए जी आपको यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा से ताज़ा मतलब जब भी आओगे आपको समोसा मिलेगा। जैसे स्प्रिंग रोल भैया ने बनाया जो वो भी पास्ता वाले स्प्रिंग रोल है, ऐसे ही समोसा तैयार करते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। उधर भैया ने कढ़ाई कर दी है गरम और उसमें फ्राई भी करेंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए बिल्कुल मतलब ताज़ा फ्रेश आपको जहाँ पर पास्ता समोसा मिलेगा, पास्ता रोल भी मिलेंगे और वैरायटी तो आपने देखी कितनी वैरायटी है जहाँ पर। और सुबह 10 बजे जहाँ पर काम शुरू हो जाता है रात के 10-11 बजे, है ना जी? ठीक है जी, काफ़ी मतलब भैया मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइन में। तो भैया ये किस में फ्राई करते हो आप? रिफाइंड में भाई। अच्छा रिफाइंड में करते हो ना, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अभी मैंने देखा था आपने नूडल भी बना रहे थे सोयाबीन वाले, मतलब आप एक हिसाब से ना हेल्दी चीज बना के दे रहे हो लोगों को ना। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। और ये मतलब ये पक जाएंगे एक डेढ़ मिनट में? 2 मिनट भाई। अच्छा 2 मिनट लगेंगे, बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे। जैसे इंडियन समोसा तैयार होता है ऐसे ही पास्ता समोसा है, और यहाँ पर आपको आलू वाला समोसा ही मिलेगा ना जी भाई। काफी वैरायटी होगी। तो सचिन जी टोटल कितनी वैरायटी होगी आपके पास? 15 से ज्यादा ही होगी मेरे ख्याल में ना। ठीक है जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया जी। और 2 महीने के तक अंदर तुम ड्रैगन समोसा खवाऊंगा भाई। अच्छा ड्रैगन समोसा, ड्रैगन रोल का बट आपने उसको समोसे में कन्वर्ट। पास्ता वाले ये देखिए डिस्पोजेबल में भैया ने डाल ली है। ये ऊपर क्या डाला भैया? मसाला भाई। अच्छा मसाला होता है थोड़ा सा, साथ में मिलेगी इनकी जो होममेड चटनी। क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया। तो भैया क्या प्राइस रखा आपने? 5 रुपए भाई समोसा। 5 रुपए का एक नाली के, 10 रुपए का पास्ता समोसा आपने तैयार कर दिया ना? 2 समोसे भाई 10 रुपए। 2 समोसे जो हो गए 10 रुपए में, क्या बात है, इतनी बढ़िया और इतना सस्ता आप दे रहे हो ना। तो चलिए गाइस हो गए तैयार, करते हैं। तो लो दोस्तों सचिन भैया ने करवा दिए हमारे समोसे तैयार, देखिए कितनी बढ़िया प्लेट इन्होंने तैयार करके दी है। मतलब ज़्यादा बड़े साइज नहीं है, छोटा या साइज है। और सबसे बड़ी बात है 5 रुपए का समोसा है, वो भी पास्ते वाला समोसा। तो आपने देखा ये कैसे इन्होंने कलरफुल पास्ता तैयार किया हुआ है, वो इसमें फील होता है। और रोल्स भी पास्ता वाले रोल्स भी होते हैं, काफ़ी वैरायटी हैं। और समोसे में जैसे नूडल समोसा आता है, आलू वाला समोसा भी होता है, जो इंडियन समोसा होता है। तो इनके जो फेमस है अपने लिए वो है अपने जो पास्ता वाले समोसे। तो देखिए ऊपर मसाला डाला है और इन्होंने अपनी होम मेड गार्लिक वाली सॉस दी है। एक नंबर का समोसे तैयार किए भैया ने, बिल्कुल चाइनीज फीलिंग आ रही है इसमें, बिल्कुल चाइनीज जो टेक्सचर आया है बहुत ही बढ़िया। एक नंबर का समोसा है ये, एक नंबर का, बहुत ही बढ़िया। और गर्मा गर्म समोसे हैं, जैसे भैया ने जब भी आप आओगे यहाँ पर आपको गर्मा गर्म समोसे आपको मिलेंगे। तो आए भैया को सपोर्ट भी करें, इनका कैटरिंग का खुद का काम है और बड़े ही फेमस है अपने पास्ता समोसे के लिए। काफ़ी वैरायटी बनाती हैं, 15 से 16 जो इनके पास स्नैक्स आपको मिलेगा। एक नंबर का सौदा है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है बिल्कुल जनरल प्राइस भैया ले रहे हैं, काफ़ी फेमस है गुरु नानकपुरा में। अपने इस्लामाबाद आप क्रॉस करोगे तो वहाँ पर आ जाना, वहाँ पर मंदिर और गुरुद्वारा साहब आएगा, उसके बिल्कुल साथ में भैया की कार लगती है। तो सुबह 10 बजे वैसे काम शुरू हो जाता है, रात के 10-11 बजे बच जाते हैं, छुट्टी कोई नहीं करते। शिवरात्रि को जहाँ कुछ एक खास मौका हो तो वहाँ पर छुट्टी करते हैं। तो कभी भी आप अमृतसर आएँ या अमृतसर से हो तो भैया के पास आएँ, इनके पास्ता समोसा खाएँ। पैकिंग वगैरह भी जाती है काफ़ी, यहाँ पर पैकिंग वगैरह भी भैया की जा रही है। सो गाइस अपने छोटे भाई को ऐसे अपना प्यार देते रहना और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना।